Hello class, today we are going to continue with chapter 2. Yesterday I have given you exercise A from number 8 to 20 to practice and do in your English language copy. I hope it is clear to you what is compound subject and compound predicate. So today we will begin with the new topic, identifying the subject. Okay, now listen. Very often the subject comes before the verb. ज़्यादातर यही होता है कि subject verb से पहले आता है. Example देखिए, Mahima is my friend, Mr. Khan is our class teacher. दोनों sentences में is helping verb है और हमारा subject Mahima and Mr. Khan is coming before the verb. आगे देखेंगे. However, in some sentences the subject follows the verb. और कभी कभी sentences में ऐसा भी होता है कि हमारा subject verb के बाद आता है. देखिए, in sentences that begin with here or there the subject usually appears at the end. जिस सेंटेंस में here या there होता है उसमें सब्जेक्ट एंड में होता है. एग्जाम्पल देखेंगे, देयर आर द टू पपीज, हेयर इज द शॉप. टू पपीज एंड द शॉप, ये दोनों सेंटेंसेस में हमारे सब्जेक्ट हैं और दोनों ही सेंटेंस के एंड में आ रहे हैं. ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है मैं फिर से आपको बताती हूँ. सब्जेक्ट वो पार्ट है सेंटेंस का जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं देखिए. इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट फॉलोज द ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है सब्जेक्ट. एग्जाम्पल देखिए, डज माया नीड अनदर ब्लैंकेट, क्या माया को दूसरा ब्लैंकेट चाहिए. तो यहाँ देखिए, डज हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद माया, माया इज द सब्जेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आया है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैव वी मेट बिफोर, क्या हम पहले मिले हैं. तो हैव हेल्पिंग वर्ब है, वी हमारा सब्जेक्ट है, वी हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रहा है, मेन वर्ब मेट है. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, डिड द डॉग डॉग बार्क्ड, क्या डॉग ने बार्क किया. इसमें देखिए, डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, द डॉग इज द सब्जेक्ट और बार्क हमारा मेन वर्ब है. आगे देखिए, टू फाइंड द सब्जेक्ट इन एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी शुड चेंज द क्वेश्चन इन टू डेक्लरेटिव सेंटेंस. तो किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट का पता करना है तो हम क्या करेंगे, उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आंसर फॉर्म करेंगे, आंसर फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, जो आंसर होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वही हमारा डेक्लरेटिव सेंटेंस होगा. लाइक, डज माया नीड अनदर ब्लैंकेट, क्या माया को दूसरा ब्लैंकेट चाहिए. तो इसका आंसर क्या लिखा है देखिए, माया नीड्स अनदर ब्लैंकेट, माया को दूसरा ब्लैंकेट चाहिए. तो यहाँ माया इज द सब्जेक्ट. नेक्स्ट था, हैव वी मेट बिफोर, ये हमारा क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या बनेगा, वी हैव मेट बिफोर, हम पहले भी मिले हैं. तो इसका वी जो सेंटेंस में है वो हमारा सब्जेक्ट है. डिड द डॉग बार्क, इसका आंसर क्या है, द डॉग बार्क्ड, तो हमारा सब्जेक्ट द डॉग, ये हमें पता चल गया. नेक्स्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज यू. इम्पेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जिस भी सेंटेंस में एडवाइस या रिक्वेस्ट या कमांड दिया जाता है उसको इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं. सो इन इम्पेरेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट इज यू, यू सब्जेक्ट होता है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में. एग्जाम्पल देखिए, यू टेक दिस बुक, यू लुक एट दैट नाइटिंगेल, यू सो द सीड्स इन नवंबर. हमारा यहाँ पे यू ऑप्शनल होता है, कोई ज़रूरी नहीं कि हम यू लिखें ही लिखें. ठीक है,
यू इज अंडरस्टूड, द वर्ड यू अंडरस्टूड है. किसी से आप कहेंगे टेक दिस बुक, तो व्हेन यू लुक एट द पर्सन, जब आप सामने किसी को देख रहे होंगे तो उसको बोलोगे कि बुक ले लो, टेक दिस बुक. लुक एट दैट नाइटिंगेल, जब हम ये बोलते हैं तो किसी को दिखा करके बोलते हैं, इसीलिए लुक बोल यू बोलने की ज़रूरत नहीं होती, कंपल्सरी नहीं है, लेकिन यू वर्ड हमारा हिडन होता है. सो द सीड्स इन नवंबर, तो हम किसी को क्या करेंगे, किसी को देख करके या बता करके ये बात बोलेंगे, सो द सीड्स इन नवंबर. सो एस ओ डब्ल्यू, सो का मतलब क्या होता है, प्लांट लगाना, ठीक है. तो सीड्स नवंबर में लगाओ, इसमें भी यू वर्ड हमारा हिडन है, लेकिन क्योंकि हम सब्जेक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं तो यू वर्ड हमने सेंटेंसेस में ज्वाइन कर दिया है. नेक्स्ट देखिए क्या, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस सब्जेक्ट कम्स बिफोर द वर्ब. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट हमारा वर्ब से पहले आता है. एग्जाम्पल देखिए, हाउ ब्यूटिफुल शी लुक्स, यहाँ पे शी हम है, लुक्स वर्ब है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाउ अमेजिंग द ताजमहल इज अगेन हमारा वर्ब है, द ताजमहल सब्जेक्ट है. टू फाइंड द सब्जेक्ट वी शुड चेंज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इन टू डेक्लरेटिव सेंटेंस. हम सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डेक्लरेटिव में चेंज कर देते हैं. ओके, लाइक एग्जाम्पल्स एज यू कैन सी, शी लुक्स वेरी ब्यूटिफुल. हियर शी इज द सब्जेक्ट. लुक्स हमारा वर्ड जो लुक्स है वो क्या है, वो वर्ब है, ठीक है. द ताजमहल इज अमेजिंग, द ताजमहल हमारा सब्जेक्ट है, इज वर्ब है. तो देखा आपने कि हमने दोनों सेंटेंसेस को डिक्लेरेटिव फॉर्म में चेंज कर दिया, एंड वी आर पुटिंग अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ दीज सेंटेंसेस. नेक्स्ट, sometimes sentences take it as their subject. कभी कभी sentences में it word subject की तरह use होता है. Example देखिए, it is a bright sunny day, it is going to rain today. दोनों जगह it word हमारा subject है. All right. सो आगे देखेंगे, इट इज़ अ डमी प्रोनाउन. डमी प्रोनाउन का मतलब कि इट वर्ड को हम प्रोनाउन की तरह यूज़ करते हैं. आपने प्रोनाउन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि हम, व्हाट इज़ प्रोनाउन, अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन. सो इट इज़ अ प्रोनाउन. इट वर्ड किसी ऑब्जेक्ट, किसी थिंग के लिए यूज़ होता है. ओके, आगे देखिए, एंड एक्स जस्ट लाइक एनी अदर नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस. इट वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन की तरह किसी सेंटेंस में यूज होता है, ठीक है. अनलाइक द ऑर्डिनरी प्रोनाउन, इट डमी, इट प्रोनाउन रेफर्स टू नथिंग स्पेसिफिक. इट वर्ड किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज नहीं होता. हम जनरली जब बात करते हैं किसी चीज़ के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट या किसी थिंग के बारे में, तो इट का यूज़ करते हैं, ठीक है. सिमिलरली वी यूज़ देयर एज अ डमी सब्जेक्ट इन स्ट्रक्चर्स लाइक देयर इज़ एंड देयर आर. जैसे कि इट वर्ड है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं यूज़ होता, वैसे ही देयर भी डमी सब्जेक्ट है जो कि किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ नहीं होता. एग्जाम्पल देखिए, देयर इज़ अ मैन आउटसाइड द ऑफिस हु वॉन्ट्स टू टॉक टू यू. तो कोई आदमी है ऑफिस के बाहर जो आपसे बात करना चाहता है. इस सेंटेंस में देयर इज़ कोई भी पर्टिकुलर थिंग को नहीं समझा रहा. इस चीज़ में कोई भी मैन है जो कि ऑफिस के बाहर वेट कर रहा होगा. ऑल राइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, देयर आर क्वाइट अ फ्यू सवेनिया शॉप्स आउटसाइड द ताजमहल. ओके, तो यहाँ पे सवेनिया की मीनिंग होती है किसी चीज़ का यादगार, एक ऑब्जेक्ट जो चीज़ अपने पास हम रखते हैं किसी चीज़ की याद में.
ऑल राइट, तो देयर आर क्वाइट अ फ्यू सवेनियर शॉप्स. तो ताजमहल के अगल बगल शॉप्स हैं जहाँ सवेनियर यानी कि रिमेम्बरेंस के लिए जो हम वहाँ से ख़रीद के लाएँ और किसी को दिखाएंगे कि ये हम ताजमहल के पास से लाए हैं. तो सोवेनियर की मीनिंग आपको क्लियर हो गई होगी कि रिमाइंडर ऑफ समथिंग. सोवेनियर की मीनिंग है किसी चीज़ की यादगार वस्तु, ऑब्जेक्ट. ऑल राइट, तो दोनों सेंटेंसेस में आप देखिए देयर इज़ एंड देयर आर कोई भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ नहीं हो रहा, ये डमी सब्जेक्ट्स हैं. अब आगे देखिए एक्सरसाइज बी, अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. आपको गिवन एक्सरसाइज में से टिल नंबर 5 यू विल डू इन योर इंग्लिश लैंग्वेज कॉपी. इसमें आपको सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है. लाइक लुक एट द कुकू ऑन दैट ट्री. यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, द कुकू होगा. नंबर 2 में देखिए इट वॉज अ फनी जोक. यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, इट होगा. ठीक है, इसी तरीके से आप नंबर 5 तक अपनी लैंग्वेज की कॉपी में करेंगे, सेंटेंसेस लिखेंगे और जो भी सब्जेक्ट है सेंटेंस में उसको सिर्फ अंडरलाइन करना है. नाउ एक्सरसाइज सी देखिए, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस बाय एडिंग सूटेबल कंपाउंड सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. जो गिवन सेंटेंसेस है इसमें आपको सूटेबल सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको कोई सब्जेक्ट या प्रेडिकेट ऐड करके कंप्लीट करना है सेंटेंसेस को. लाइक फर्स्ट वन में देखिए द लास्ट बुक, इसके आगे आपको प्रेडिकेट ऐड करना है. तो आप द लास्ट बुक इज द हैवीएस्ट ये लिख सकते हैं, या फिर जो भी आपका मन हो वो प्रेडिकेट पार्ट ऐड करके सेंटेंस को कंप्लीट करिए. सेकंड वन, डैश आर द नेम्स ऑफ रिवर्स इन इंडिया. यहाँ पे आप 2 या 3 नेम्स मेंशन कर सकते हैं रिवर्स, उन रिवर्स का जो कि इंडिया में हैं. ठीक है, नंबर 3 देखिए माय मदर डैश माय मदर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, या जो भी आपका मन हो वो प्रेडिकेट आप ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट नंबर 4, डैश लिव्स नियर द साउथ पोल. तो जो किसी का नेम मेंशन कर दीजिए या फिर लिख दीजिए वाइट बेयर लिव्स नियर द साउथ पोल. नंबर 5, डैश प्ले इन द पार्क एवरी संडे. तो यहाँ पे आप किसी 2 persons के नाम लिख दीजिए, या फिर चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क एवरी संडे ऐसे लिख सकते हैं. ऑल राइट, सो एक्सरसाइज सी ऑल्सो यू विल डू टिल नंबर 5 इन योर इंग्लिश लैंग्वेज कॉपी एंड सोल्यूशन फॉर द सेम विल बी सेंड टमोरो. कल आपको इसका सोल्यूशन सेंड किया जाएगा. दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.